राम राम, आप सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज रिमझिम बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आलू से चटपटा बना लूं। और भाई हम तो ठहरे राजस्थानी, राजस्थानी हूं तो जिम से ज़्यादा जिमण में ध्यान रखता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिया आलू, आलू को अच्छे से छील लिया, और छीलने के बाद आलू को मैंने आलू की कुछ इस तरह से कटिंग कर ली, देख सकते हो आप, लंबी लंबी और बारीक पतली पतली कटिंग करनी है आलू की, ये देख सकते हो आप। इसी प्रकार आलू को कटिंग करना है। आज मैं आपको फ्रेंच फ्राइज का बड़ा भाई बनाना सिखाऊंगा। फिर लेना है हमको हरी मिर्च, हरी मिर्च को अच्छे से बारीक कटिंग कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लेंगे, हरी मिर्च कटिंग करने के बाद, एक कटोरी मूंग मोगर दाल फ्रेश और अच्छी क्वालिटी की, और उसको अच्छे से साफ पानी से क्लीन या धो लेना है। उसको धोने के बाद उसको कुछ समय के लिए भिगो के रखना है ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए, 15 या 20 मिनट या आधा घंटा। उसके बाद हम लेंगे अच्छी क्वालिटी का बेसन, बेसन से हम बनाएंगे आलू के कुरकुरे क्रंची फ्रेंच फ्राइज का बड़ा भाई, जो भी नाम रख लो आप उसका। एक चम्मच नमक लेंगे और 2 चम्मच छोटे लाल मिर्च लेंगे, लाल मिर्च अच्छी घर की पीसी हुई लेनी है, और उसमें लेंगे 1 चम्मच काला नमक, काला नमक सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। और बाद में लेंगे हम उसमें थोड़ी सी पीसी हुई सौंठ, सौंठ से बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और 2 चम्मच लेना है उसमें तेल, ताकि हमारा जो हम डिश बना रहे हैं या जो व्यंजन बना रहे हैं वो अच्छा बने। और कुछ इस प्रकार हम घोल करके लगा के रख देंगे। फिर हम बाद में उसमें जो हमने वो मूंग का मोगर भिगो के रखा था वो उसमें ऐड करना है। इससे बहुत ही ज़्यादा स्वाद आएगा और टेस्टी बनेगा, कुरकुरा बनेगा। और उसके बाद हम उसको मिला लेंगे। फिर उसमें डालेंगे नींबू। अब आप सोच रहे हो नींबू क्यों डाल रहा है, क्योंकि नींबू से खटाई तो आएगी, लेकिन नींबू डालने से ये जो हम बनाएंगे पकौड़ा उसमें मतलब तेल कम आएगा, ज़्यादा तेल नहीं आएगा। और फिर हम उसमें डालेंगे कटिंग की हुई हरी मिर्च और थोड़े से कटिंग किए हुए हरा धनिया, और उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये सब डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। फिर हम लेंगे अच्छे क्वालिटी का तेल और उसको थोड़ा गर्म करेंगे, और हम आलू जो कटिंग किए थे कुछ इस प्रकार उसमें बेसन में मिला के हम एक एक करके फ्राई करेंगे, देख सकते हो आप। इसी प्रकार हम एक एक करके फ्राई करना है, एक एक करके फ्राई करेंगे हम सभी आलूओं को जो आलू हमने कटिंग किए थे। ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, ये मीडियम आंच पे ही, मीडियम फ्लेम पे ही करना है हमें। और कुछ इस प्रकार हम सारे आलू को धीरे धीरे फ्राई करेंगे और उनको हाफ डन करके बाहर निकालना है, पूरे पकाने नहीं है, थोड़े थोड़े कच्चे हो, थोड़े थोड़े पक जाए और थोड़े थोड़े कच्चे रहे तब उसको बाहर निकालना है। ये देखो आप, इसी प्रकार हम झारे की सहायता से सबको बाहर निकालेंगे, पूरे नहीं पकाने इनको, थोड़ा कच्चा रखना है। ये 2 बार में पकाए जाएंगे ताकि ये जो ऊपर का बेसन भी पकना चाहिए, अंदर जो आलू है वो भी पकना चाहिए। तो इस प्रकार मैं सारे आलूओं को एक बार में हाफ टर्न करके कच्चे उनको बाहर निकालूंगा, इनकी मैं डबल फ्राई करूंगा। आपको भी डबल फ्राई करना है, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और फिर मैं इनको सारे हाफ टर्न करके या कच्चे निकाल के बाद में उनको तेज आंच पे हाई फ्लेम पे फ्राई करूंगा, जिससे ये कुरकुरे टाइप बने एकदम। भाई साहब आप बना के घर पर ट्राई करो, बहुत अच्छा बनेगा। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप अच्छे अच्छे बना सको इसलिए। और कभी आना, आपको हम ज़रूर खिलाएंगे बना के मेरे अपने खुद के हाथों से। और कुछ देर पकाने के बाद हम उसको जारे की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हो आप, अच्छे से पक चुका है ये बाहर, ऊपर का बेसन भी पक चुका है और अंदर का आलू भी पक चुका है। और कुछ इसी प्रकार हम जारे की सहायता से सारे आलूओं को फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए और कच्चे ना रहें। अच्छे से पकने के बाद इन सबको बाहर निकालना है। ओहो, क्या पककर तैयार हुए, वाह क्या स्वादिष्ट है, इनको देख के आपको भूख लगी ना, देखो, ओहो स्वादिष्ट।
ये इस डिश का नाम है आलू के पकौड़े फ्रेंच फ्राइज का बड़ा भाई, जो भी आप रख सको वो रख लो। फिर हम लेंगे इमली और बनाएंगे इमली की चटनी इनके साथ खाने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब चटनी बनाएंगे हम। इमली को कुछ समय के लिए भिगो के रखना है 15-20 मिनट तक, फिर जब ये भीग के तैयार हो जाए तो उन सब इमली को हम मिक्स कर लेंगे और सारी इमली को छान कर ऐसे ही उनका सारा पानी निकाल देंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चीनी, क्योंकि ये खट्टी और मीठी चटनी बनेगी हमारी। और उसके बाद हम एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और उसमें देंगे हम जो अपनी सौंफ होती है उसका, सिर्फ सौंफ का झोंका लगाना है इसमें। और फिर हम उसमें इमली का वो पानी डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक कर चटनी तैयार हो। इमली है इमली, इमली का बूटा, सुना है ना आपने गाना। और अच्छे से इसको पकाना है और कुछ इसी तरह हम इमली को पकाकर उसकी चटनी बनाएंगे। और देख सकते हो आप फुल पकने के लिए तैयार है, पक रही है हमारी इमली की चटनी। और ये इमली की चटनी पक कर तैयार हो चुकी है। और हम अब इसको ठंडा करेंगे इमली की चटनी को। और हमारे ये जो डिश हमने बना के तैयार की है ये देख सकते हो आप। आप बताइए हमारी ये डिश कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वाह यार अच्छा लगा ना, देख लो आपका भी मन हो रहा है ना खाने का। और हाँ, ज़िंदगी में हर एक छोटी छोटी चीज़ों से हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ कुछ बड़ा नहीं होता है। इसलिए मैंने आज आलू के पकौड़े बना दिए, खाओ और इंजॉय करो लाइफ में। खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद, थैंक्स।